वाह मेहरीन, तुम्हारा नेकलेस तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कब बनवाया? है ना, अच्छा है ना? आज ही लिया मैंने। मेरा क्रेडिट कार्ड एक शॉप से दूसरी शॉप घूमता रहा और मुझे तो बैंक से मैसेज आया कि लाखों खर्च हो गए। दिल तो फिर भी नहीं भरा मेरा, बस थक के वापस आ गई। अब फरहान, मैंने तुम्हें बताया नहीं, फरहान तो मुझे डायमंड ब्रेसलेट भी बनवा कर दे रहे हैं। क्यों फरहान, बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, सिर्फ ब्रेसलेट ही क्यों, पूरा नेकलेस बनवा लेना। अब खुश? यार मगर तुम खाने में इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो यार? ये लो ना, ये पिज्जा, ये टिक्का, शहर के मशहूर रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर किया। थैंक यू, मैं ले रहा हूँ। कवल, ये सब ट्राई करो ना, शहर का महंगा रेस्टोरेंट, एक एक डिश की कीमत लोगों के महीने भर के राशन के बराबर, जो मैंने तुम लोगों के लिए ऑर्डर किया। क्या जरूरत थी इतनी महंगी महंगी चीजें मंगाने की, दाल रोटी बना लेते उसमें हम खुशी खुशी खा लेते। वो तो आप लोग रोज ही खाते हैं, आज कुछ अच्छा खा लें। कभी कभी अगर किस्मत साथ दे तो मुंह का जायका बदल लेना चाहिए ना। मसर बेटा, तुम्हारी नौकरी ठीक जा रही है ना? अल्लाह का करम है, मैं अभी अच्छी चल रही है। भाई मैंने तो जॉब छोड़ दी है, नौकरी में कुछ नहीं रखा, मैंने नया कारोबार शुरू किया है केमिकल का, वो अब्बा वाला घर बेचकर मैंने पैसा उसी काम में लगा दिया। अल्लाह मुबारक करे। हाँ लेकिन तुम लोग तो सिर्फ तीन लोग हो, इतना बड़ा घर, लाखों किराया दे रहे हो, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? कवल, हर चीज फायदे और नुकसान के लिए नहीं होती है, लाइफस्टाइल और स्टेटस भी देखना पड़ता है जिंदगी में। अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ तो मजहर की तरह मैं छोटे से घर में नहीं रह सकता। पर बेटा ये दिखावा अच्छा नहीं होता, जितनी सादा जिंदगी होगी ना उतना ही कुदरत आपको नवाजेगी। प्लीज अम्मा भी स्टॉप इट, आपको कुछ भी नहीं पता, लाविश लाइफ गुजारने को दिखावा नहीं कहते। अब अगर किसी के पास नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब हमारे पास है तो नजर तो आएगा ना। अम्मा भी मेरी ठीक कह रही है, महीने के लाखों कमाते, उनमें से चंद लाख अगर मैंने अपनी आसाइश पर खर्च कर दी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये सब हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। अब अगर इसे कुछ लोग दिखावा समझें तो उनकी मर्जी। अगर बेटा अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मैरी, ये एसी की कूलिंग बढ़ा दो यार, ये कुछ दिन पहले 2 लाख का हमने एसी लिया था, पसीने आ रहे हैं, इतनी कूल क्यों नहीं कर रहे? प्लीज। कमल, आप लोग भी सेकेंड हैंड एसी ले रहे ना, ज्यादा महंगा नहीं होगा, सस्ते में मिल जाएगा। हमें जरूरत नहीं है, हमारा जो घर है ना वो काफी हवादार है। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं। तुमने फरहान को अपना घर भी दे दिया और जायदाद से दस्तबरदार भी हो गई, लेकिन तुम्हारे भाई के मुंह से ना शुक्रिया तक नहीं निकला। तब इतना बड़ा घर बेचकर उसने कारोबार भी खड़ा कर लिया, बैंक से गाड़ियां भी लोन पर ले ली, और अब कहता है कि ये सब उसकी मेहनत का है। मज़र, आप ये सब ना मुझसे बदगुमान होकर कह रहे हैं। भाई मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि फरहान का अंदाज अच्छा नहीं लगा मुझे, आखिर इतना तकबर किस बात का है भाई? आप जानते तो हैं उसे, सबके सामने वाह-वाह बटोरने का शौक है उसे। हाँ मगर इंसान को इतना कमजोरफ नहीं होना चाहिए, और ये मगरूर आदमी हमेशा कमजोरफी कहलाता है। मज़हर, क्यों उसकी बातों को इतना सीरियस ले लेते हैं? देखो भाई, मैंने फरहान को कभी इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन ये गुरूर, तकब्बुर और इखलाक की बदसूरती जो है ना, ये तमाम चीजें इंसान को
खोखला ही बनाती हैं, इंसानियत को इंसानियत से भी नीचे ले जाती हैं। और मैंने ये बात आज महरीन और फरहान में देखी है। अच्छा चलें छोड़ें। फ्रांस, तुमने तो कहा था कि जब तुम्हारी लाडली बहन आएगी तो हमारे घर हमारी गाड़ियां देख के बहुत खुश होगी, कि मुझे तो उनकी आंखों में हसद और चेहरे पर जलन नजर आ रही थी। कल ही अपनी नजर उतरवाऊंगी। तुम फिर कबल का जिक्र लेके बैठ गई। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बहन ना मुझसे जलती है। देखा नहीं था मजर भाई किस तरह फटी हुई आंखों से हमारे घर को देख रहे थे? ऐसा घर तो उन्होंने अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। हाँ, वो तो मुझे मजर की बातों से भी लगा कि वो मेरी कामयाबी से चल रहा था। मुझसे कहता है कि बैंक से गाड़ियां मत लो, लोन मत लो, खुद की औकात नहीं है बैंक की किस्त अदा करने की, दूसरों को अपनी तरह फकीर समझ रखा। एग्जैक्टली फरहान, ये अम्मा भी का तो कोई बंदोबस्त करो। बंदोबस्त करो मतलब? ये मैं ना उनकी बातों से तंग आ गई हूँ। मुझे तो लगता है कि वो भी हमारी कामयाबी से खुश नहीं है। देखा नहीं था आज किसने बात बात पे मुझे टोक रही थी। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्हें। किसी शेल्टर होम में बंदोबस्त करवाओ उनका। नहीं मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बचपन से हमारे साथ है। हाँ तो माँ तो नहीं है ना, खाला है। अम्मी अब्बू के बाद उन्होंने ही मुझे और कवल को पाला है। मैं उन्हें इस तरह घर से निकालूंगा तो सब लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे। यार मेरी दुनियादारी की खातिर ही बर्दाश्त कर लो, उनकी कड़वी बातें पी लिया करो। यानी कि तुम्हें पालने के एहसान का खमियाजा मुझे भुगतना होगा। अरे मेरी महरीन, मेरी बात तो सुनो। अरे महरीन, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ओह, लेकिन मुझे तो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। वो दरअसल मुझे तुमसे 2 लाख रुपए चाहिए। कल आसिफ की कॉल आई थी दुबई से और वो कह रहे थे कि अब खर्चा नहीं भिजवा पाएंगे इस महीने। नौकरी वाले सारे मुलाजमीन को नौकरी से निकाल रहे हैं। पता नहीं कल को क्या होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी आती हूँ। बेटा, आसिफ तुम्हें हर माह 2 लाख रुपए भेजता है खर्चे के लिए दुबई से। 3 साल से भेज रहा है वो। तुमने कुछ भी नहीं बचाया उसमें से। अम्मा भी, आप अपनी तस्बीह पढ़े ना, ये हिसाब किताब में क्यों टांग अड़ा रही हैं? हाँ, ये लो फरा, ये लो, पूरे 2 लाख हैं। शुक्रिया मेरी लौटी बहन। शुक्रिया किस बात का? कोई और काम हो तो मुझे जरूर बताना। और वैसे भी फरहान मुझे 4 से 5 लाख रुपए तो दे ही देता है महीने का, तो इतनी सी रकम तो घर में ही पड़ी होती है। अच्छा, इन पैसों से मेरे 10-12 दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हेलो कवर, कैसे आना हुआ यूं बिन बादल बरसात की तरह? भाई इत्तेफाक है, जब भी मेरी बहन आती है तो आप भी टपक पड़ती हैं। नहीं, वो फरहान बता रहा था कि अम्मा भी की एक दवाई नहीं मिल रही। मैं मार्केट गई हुई थी, वहीं पे मेडिकल स्टोर थी, वहां से मिल गई, मैंने सोचा दे आऊं। ओ अच्छा, अब आई हो ना तो ऐसे जल्दी जल्दी में मत चली जाना, आराम से बैठो मेरे पास। हाँ हाँ, अब आ गई हो तो चाय पी कर जाना, और किचन में ना इम्पोर्टेड स्नैक्स पड़े हैं, वो जरूर ट्राई करना। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। चलो फरा, मैं तुम्हें फरहान की नई गाड़ी में ड्रॉप कर देती हूँ। भाई जब बहन के पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो रिक्शा टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है ना? हाँ, ठीक। मेरे भाई के पैसे दोनों हाथ से लुटा रही।
आप इसे समझाते क्यों नहीं है? मेरी सुनते कब है? चलो छोड़ो इन बात, बताओ चाय पियोगी? बनवाओ। चाय वाय नहीं पीनी, सिर्फ आपके साथ टाइम गुजारना है। यार मुकीम, कुछ भी करके पोर्ट से मेरा कंटेनर रिलीज करवाओ यार। अगर कंटेनर फंस गया ना तो मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। बहुत इन्वेस्टमेंट है मेरी और मेरे पार्टनर्स की यार। ओके। महरीन, तुम रो रही हो? फरहान आज आप आई थी। हाँ तो उन्होंने आज अम्मा बीब के साथ मिलके मुझे बहुत बातें सुनाई। उन्हें हमेशा मैंने अपनी बहनों की तरह इज्जत दी। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये घर मेरा नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें भी गैर कर दिया मेरे लिए। ऐसा कहा है कमल ने? और बहुत कुछ कहा उन्होंने, तो सारी बातें सहगी क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। अरे बहन है तो क्या सर पर चढ़कर बैठेगी क्या? मेरी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये बात वो अच्छी तरह जानती है, और तुम रो रही हो। एलिसी तो कूट कूट के भरी है उनमें, उन्हें तो हमारी नई गाड़ी भी हजम नहीं हो रही ना। मेरी बहन को कुछ पैसों की जरूरत है, अगर मैंने उसकी हेल्प कर दी तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, बहुत बेइज्जती की उन्होंने मेरी, यहां तक के गालियां तक निकाली उन्होंने। क्या? क्या पागल हो गई है क्या वो? तुम चलो अभी मेरे साथ चलो। चलो कहाँ? मैं उन्हीं के घर उनको अभी सबक सिखाकर आता हूं। ये जरूर जो है ना, ये मसर उसे पंप कर रहा है। तुम प्लीज रोना बंद करो, तुम चलो अभी मेरे साथ। चलो आओ आओ। नहीं फरहान भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आपको शायद गलतफहमी हुई। झूठ! मेरे सामने ये मासूम बने का ड्रामा मत करो कवल। तुम मेरी बीवी से जलती हो, उसके कपड़ों से, उसकी ज्वेलरी से, कुछ बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। एक्चुअली तुम्हें मेरी तरक्की से हसद होती है कि तुम्हारा शौहर मेरे मुकाबले में जीरो है, जीरो। बस फरहान भाई, बहुत हो गया है। मैं आपकी बहन हूं, क्यों जलूंगी मैं आपकी तरक्की से? आपको याद है मैंने तो खुद अपना विरासती हिस्सा आपको दे दिया था। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। तुम्हारी शादी पर मैंने लाखों रुपए खर्च किए थे और वो विरासती घर बेचकर ही तुम्हारी शादी हुई थी, याद नहीं है तुम्हें? क्या खालिस शीशम का फर्नीचर मैंने तुम दोनों को बना कर दिया था। तो आइंदा मुझ पर ये हिस्सा बख्शवाने का इल्जाम मत लगाना। तुम्हारा शौहर नाकाम आदमी है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फरहान भाई आप भूल रहे, ये बहनोई है आपका, एहतराम से बात कीजिए। बहनोई की इज्जत तब होती है जब जेब भारी हो। कंगाल लोगों को तो मैं अपनी ठोकर पर रखता हूँ। बस फरहान भाई बस, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। आप मेरे शोहर के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। इस दिखावे की आड़ में आकर सारे रिश्ते नातों के एहतराम आप भूल चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा अपनी बीवी को ले और यहाँ से चले जाए आप। जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ इस दड़बे में खड़े रहने का कोई शौक नहीं है। चलो मैरी। फरहान तुम्हारी कॉल आ रही है। मैं सोच रही थी कि आज ना मैं जाके डायमंड ब्रेसलेट खरीद लूं। हेलो। क्या? फरहान क्या हुआ है, क्या बात है? आग लग गई है।
सारा गोदाम चलकर खाक हो गया मेरे। करोड़ों का माल सब चल गया, खत्म हो गया। ये कैसे हो गया? बर्बाद हो गया मैं मैरी, मैं बर्बाद हो गया। शिखर में खाली करना होगा महरीन, इतना किराया नहीं दे सकते। लेकिन फरहान हम कहाँ जाएंगे? इस घर का जो भी एडवांस मिलेगा उसे लेकर हम किसी छोटे घर में चले जाएंगे। इसी दिन का डर था मुझे, कहती थी ना दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाओ, पैसे बचा के रखो, किसी बुरे वक्त में काम आते हैं। मैं फरा को कॉल करती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल, बात करो उनसे, अपने पैसे वापस मांगो। हेलो फरा, फरा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? हमें ये घर छोड़ना पड़ रहा है, तो मैंने जो तुम्हें पैसे उधार दिए थे वो क्या? आई एम सो सॉरी महरीन, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। वो एक्चुअली आसिफ दुबई से आए हैं और तुम्हें तो पता है इतने अरसे बाद उनके आने पर अगर मैं मैके की कोई प्रॉब्लम लेकर बैठ गई तो वो खामखा नाराज हो जाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हेलो फरा, मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो महरीन, मेरे पास अभी सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए ही होंगे। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ना, ठीक है? हेलो फरा, फरा हेलो। क्यों चिल्ला रही हो अब? तुम्हारी बहन ने कॉल काट दी है। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता बेटा, सब अच्छे वक्त के साथ ही होते हैं। हर बशर है एक वसीला, रब से जो हाल हो गया है, तबीयत कैसी है? कभी मुझे माफ कर दो, मैं वाकई बहुत बुरा भाई हूं। दौलत के नशे में मैं इंसानियत के दर्जे से इतना नीचे गिर गया कि अपनी बहन के सामने ही दिखावा करने लगा ताकि मैं तुम्हें और मजहर को कमतर साबित कर सकूं। मजहर मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं फरहान भाई, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और वैसे भी इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। अच्छा ये एक लाख रुपए हैं, ये रखिए, इंशाल्लाह काम आएंगे आपके। ये लो बेटा रखिए, आपके काम आएंगे, और इंशाल्लाह आपकी जॉब जो है ना देखिएगा बहुत जल्द हो जाएगी, मैं लगा हुआ कोशिशों में। बस भाई कवल मुझे माफ कर दें, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया, बहुत कमतर समझा आपको। देखो तुम भी मेरी बहनों की तरह हो, और जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे, हम भी भूल चुके। बेटा
दिखावा तो एक फरेब है, असल हकीकत तो आजसी है, सादगी है, इंकसारी है, जो हमें ठोकर लगने से बचाती है। तुम्हारे सामने मजहर और कमल की मिसाल तो है बेटा। अल्लाह तुम सब पर रहम करे, माफ कर देना।